फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे इसीता ब्लाउज की कटिंग। इसीता ब्लाउज क्या होता है? तो ये प्रिंसेस कट का शेप रहेगा, इसमें ऊपर नेट रहेंगे, आगे और पीछे दोनों नेट रहेगा। स्लीव्स में ही हम नेट का इस्तेमाल करेंगे, 3/4 स्लीव्स की यहाँ पर मैं कटिंग बता दूंगा फ्रेंड। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसीता ब्लाउज की कटिंग मैंने पहले भी बताया है, स्टिचिंग करके भी मैंने बता दिया है, तो दोनों का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन, आप देख रहे हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलीप टेलर्स एंड बुटीक को सब्सक्राइब कीजिए इस रेड बटन को दबाकर, और उसके बाद क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर, ताकि हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती फ्रेंड्स, रहे। इसीता ब्लाउज की कटिंग के लिए यहाँ पर जो मेज़रमेंट हमने लिया है, ये एक ब्लाउज का मेज़रमेंट है। मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, बॉडी का मेज़रमेंट नहीं है, ब्लाउज से लिया गया मेज़रमेंट है, जिसकी लंबाई 13.5 इंच की है, चेस्ट साइज 32 इंच का, कमर 27 इंच, शोल्डर 11 इंच है, 3 इंच गला रहेगा, ये सामने और पीछे दोनों के लिए कंपलसरी रहेगा, बोट नेक का शेप रहेगा, आप समझ सकते हैं। आस्तीन इसका रहेगा 3/4 आस्तीन, 16 इंच की लंबाई और 5 इंच की इसकी गोलाई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने बॉडी का नाप लिया है, तो कमर रखेंगे 29 इंच और चेस्ट रखेंगे 34 इंच, मतलब 2-2 इंच का लूजिंग आपको देना है कमर और चेस्ट पे। आगे बढ़ते हैं, इसका कटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा बताता हूँ कि हम डबल फोल्ड का पेपर लेंगे और उसके ऊपर कटिंग करना है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड का पेपर लेंगे और उसके बाद एक और एक्स्ट्रा पेपर लेंगे। ये एक एक्स्ट्रा पेपर है, ये सिंगल पार्ट है, ये डबल फोल्ड नहीं है। एक पेपर इसको लेंगे, नीचे रख देना है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार डबल फोल्ड का जो ओपन साइड है, अपने विपरीत साइड रखना है। हम हमेशा खुले साइड को अपनी तरफ रखते आए हैं, लेकिन इस बार दूसरे साइड रखना है, बंद वाला जो कॉर्नर है वो अपनी तरफ रखना है। तो इसका ध्यान रखेंगे, बस बराबर दोनों पेपर को बिछा लेना है। और ये सबसे सिंपल कटिंग है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसीता ब्लाउज के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे, मैंने पहले भी इस ब्लाउज को बताया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, सिलाई भी बता चुका हूँ, कटिंग भी बता चुका हूँ, दोनों का लिंक मैं वहाँ पर आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर चेक किया कीजिए। यहाँ पर एक न्यू और फ्रेश कटिंग मैं बता रहा हूँ, जिसको देख करके आप लोगों के मन में जितने भी सारे डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन पेपरों को जमाने के बाद हम पिन कर लेंगे, बराबर इसमें पिन कर लेना है, स्टेपलर होगा तो स्टेपलर मार लेंगे, ताकि ये जो पेपर है बिल्कुल सरके नहीं। अब हम इसमें मेज़रमेंट लेंगे, और मेज़रमेंट लेने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। ये जो ब्लाउज है प्रिंसेस कट है, तो हमेशा की तरह हम नीचे 1 इंच छोड़ देंगे। इस प्रकार से 1 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर निशान लगाना है, और ये निशान रहेगा बिल्कुल एक सीधा लकीर, ये इस प्रकार से। अब लंबाई 13.5 इंच की है, तो 14 इंच पर निशान लगाना है। ये जो 1 इंच छोड़ करके हमने निशान लगाया, वहाँ से 14 इंच नापना है, और एक सीधी लकीर यहाँ पर हम खींच लेंगे। तो इस लकीर को खींचने के बाद 11 इंच का शोल्डर है, तो 12 इंच पर, मतलब 12 इंच के हाफ, 6 इंच पर निशान लगाना है। 1 इंच का मार्जिन शोल्डर पर कंपलसरी मार्जिन होता है, ब्लाउज से लिया गया नाप है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये बोट नेक का शेप है, तो यहाँ पर शेप कैसे देना है उसको भी मैं बता दूंगा। पहले आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे 6 इंच पे, यहाँ पे भी ये निशान लगाना है, फिर एक सीधी लकीर हम यहाँ पे खींच देंगे। अब ये लकीर खींचने के बाद आर्म होल लेंगे 5.25 इंच का, और उसके बाद एक सीधी लकीर यहाँ पे हमें खींच लेना है। अब चेस्ट और कमर के लिए निशान, तो 32 का चेस्ट है, मतलब 1/4, 8 इंच पर निशान लगेगा, और कंपलसरी मार्जिन यहाँ पे 1/4 इंच का। नीचे निशान लगाएंगे 27 इंच पे, तो 27 का 1/4 होता है 7.25 इंच। 7.25 पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे जो मार्जिन आएगा ये 2/4 इंच का। अब ये मार्जिन सिलाई के लिए है, बॉडी मेजरमेंट वाले यहाँ पर एक्स्ट्रा आधा आधा इंच और ऐड कर लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, गला लेंगे 4 इंच का, बोट नेक का शेप है, तो 4 इंच का यहाँ पर गला लेंगे, और बोट नेक में हम गले को सीधा सीधा नापते हैं, तो यहाँ पे 3 इंच लेना है, तिरछा नहीं नापेंगे, तिरछा नापेंगे तो ये 5 इंच आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 इंच का गला सीधा सीधा लेंगे, और इन निशानों को मिला लेना है। अब आ जाएगा इसमें बोट नेक की गोलाई,
तो ये आप देखेंगे, तो ये सामने और पीछे दोनों गला एक बराबर रहेगा। बोट नेक हम इसी तरीके से बनाते हैं, इसका सेप जिस तरीके से ड्राइंग किया गया है आप प्रॉपरली देख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे इसमें, यहाँ पे शोल्डर को डाउन नहीं करना है, सिर्फ आर्म होल को हम यहाँ पर डाउन करेंगे, पौन इंच आर्म होल को डाउन कर देना है बोट नेक का सेप होने की वजह से। अब देनी है आर्म होल की गोलाई, तो ये गोलाई बहुत ही करीब से देंगे, ये इस प्रकार से पहली गोलाई और उसके बाद पौन इंच की गैपिंग से दूसरी गोलाई। पहली गोलाई जो है 1 इंच की दूरी पे है और दोनों गोलाइयों के बीच का गैपिंग पौन इंच का है। आर्म होल पे मैंने टिप्स दिए हैं ऑलरेडी, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उरेबी ब्लाउज का कटिंग भी मैंने उस वीडियो में बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब बात करेंगे प्रिंसेस कट के सेप के लिए, तो यहाँ पे 1.25 इंच पे हमें निशान लगाना है, यहीं से ये प्रिंसेस कट की लाइन घूमेगी। तो 1.25 इंच पे हमें यहाँ पर दो जगह पर निशान लगाने हैं, उसके बाद शोल्डर से ये निशान आ जाएगा हमारा 1.25 इंच पर, क्योंकि लंबाई 13.5 इंच की है, तो यहाँ पर 1.25 इंच पर हम इसका मेज़रमेंट लेंगे। लंबाई अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे ये जो शोल्डर से निशान मैं बता रहा हूँ ये भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, 0.5 इंच लंबाई बढ़ेगी, तो ये निशान आपको 10.5 पे लगाना है, 1 इंच बढ़ेगा तो 11.25 पे लगाना है। इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे, ये बनेगा हमारा मेन बस्ट पॉइंट। यहाँ से ऊपर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और वहाँ से देंगे राउंडिंग, 1 इंच यहाँ से और 1 इंच आर्म होल की तरफ से। तो आर्म होल की तरफ तो लगभग 0.25 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है, तो उसी निशान पे लगभग ले जा कर के मिला देना है। ये इस तरीके से जो है प्रिंसेस कट का लाइन आप आसानी के साथ घुमा सकते हैं, ज़्यादा कुछ कंझट करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसी तरीके से बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। अब बात करते हैं आगे, कटोरी का जो राउंडिंग आएगा वो कहाँ पर आएगा, 1.25 इंच यहाँ पे हमें एक निशान लगाना है और इस निशान को मिला देंगे इस प्रकार से, इसमें टक्स वगैरह नहीं रहते हैं, ये हिस्सा जो है कट करके निकल जाता है और इसी गेपिंग की वजह से यहाँ पर आती है राउंडिंग। अब ये जो 1.25 इंच हमने यहाँ पर कट किया है इसको कवर कहाँ पे करेंगे, तो साइड वाले हिस्से में इस 1.25 इंच को हमें कवर करना है, कमर के निशान के जस्ट साइड में 1.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और ऊपर से तिरछे शेप में इसको मिला देना है, इस तरीके से जो है यहाँ पर ये मिल जाएगा। उसके बाद इन्हें तिरछे शेप में मिला लेना है। अब आप इसमें कप वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस रहेगी, साइज काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि किस साइज़ का कप लगाना चाहिए, तो जो चेस्ट साइज़ है उसी के हिसाब से आप कप लगाएंगे, अगर 1/2 इंच एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा कप नहीं लगाएंगे, 1/2 इंच बड़ा हो जाएगा तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 32 में 32 का लगाइए, नहीं मिलता है तो 34 का लगाइए, इस तरीके से जो है कप लगाए जाते हैं। यहाँ पर लेंगे गला 1.75 इंच और गले का मेज़रमेंट लेने का तरीका हमारा पुराना मेथड रहेगा, उसी तरीके से तिरछा नापना है। अब यहाँ पे 1.75 इंच का गला कुछ लोग बोलेंगे कि ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये बोट नेक का सेप है, सीधा सीधा हम नापेंगे तो इसका जो मेज़रमेंट है काफ़ी कम आएगा। अब इसको मिलाना कैसे है, तो आप स्केल का सेप देख रहे हैं जिस तरीके से ये रखा हुआ है, यहाँ पर हमें निशान लगाना है ये इस प्रकार से, उसके बाद देंगे राउंडिंग, ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आ जाएगा राउंडिंग। तो फ्रेंड्स ये कमर के साइड में जो हमने एक्स्ट्रा हिस्सा लिया है 1.25 इंच का और नीचे ये जो तिरछा सेप हमने दिया है ये सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट के लिए रहेगा, जो कि मैं यहाँ पर डबल फोल्ड में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, और बैक साइड के पार्ट के लिए हम इसे छांट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर अब करते हैं कटिंग, स्टार्ट करेंगे गले से।
तो यहाँ पर गले पर ध्यान देंगे, जो राउंडिंग शेप है उसी शेप में हमें कटिंग करना है। उसके बाद आर्म होल पे बाहर वाले निशान पर कटिंग करेंगे। अब फ्रेंड्स ऊपर जो पार्ट है ये फ्रंट का है, तो नीचे को छांटना होगा। 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ये नीचे तरफ से छंट जाएगा, और 1.25 इंच जो साइड में एक्स्ट्रा लिया गया है इसे छांटना है। तो इसका ध्यान रखेंगे, पीछे वाले पार्ट को इतना छोटा करना है, सामने प्रिंसेस का शेप है इस वजह से सामने बड़ा लिया गया है, पीछे को आपको छोटा करना है। अब हो जाएगी इसकी कटिंग इस तरीके से, और पीछे पार्ट उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। अब बात करेंगे सामने की, तो सामने सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाला शेप है इस तिरछे शेप में सबसे पहले कर देंगे कटिंग। आर्म होल को भी छांट देना है, और उसके बाद जो है प्रिंसेस कट की कटोरी भी हम अलग कर लेंगे। अब ये जो कटोरी है प्रिंसेस की इस तिरछे लाइन पे हमें कटिंग करना है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे स्टार मार्किंग हमने करके रखा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देना है। इधर भी छोटा सा कट लगा देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये पेपर हमने डबल फोल्ड में रखा था ताकि यहाँ बीच में आपको जॉइंट ना देना पड़े। इस तरीके से हम अगर कटिंग करेंगे तो ये फ्रंट का पार्ट डायरेक्ट निकलेगा। और रही बात कटोरी की, तो कटोरी पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन, 1/4 इंच का मार्जिन, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, 1/4 इंच का मार्जिन देना होगा गोलाई वाले शेप में। उसके अलावा कहीं पर भी कुछ भी मार्जिन वगैरह नहीं देने। फ्रेंड्स यहाँ पर हम सामने और पीछे दोनों पार्ट को एक साथ जमा करके रख लेंगे। यहाँ पर नेट लगाने का मैं तरीका आप लोगों को समझा रहा हूँ। सामने और पीछे दोनों पार्ट को हम बराबर जमा करके रख लेंगे। जमा करके रख के चाहें तो स्टेपलर कर देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। ये चीज़ मैं पहले भी बता सकता था आप लोगों को, लेकिन कटिंग के बाद बताना यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी लोग इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब ये देखिए सामने और पीछे दोनों पार्ट हमने बराबर जमा करके रख दिए हैं। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे राउंडिंग का निशान हमने लगाया है ये नेट के लिए हमने निशान लगाया, तो यहाँ पर कटिंग कर देना है। सामने और पीछे दोनों पार्ट की एक साथ हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद गले तरफ का जो शेप है उसमें पूरा नेट लगेगा, और जो बॉडी का शेप है ये कपड़े का रहेगा, ऊपर पूरा नेट लगेगा इसमें सामने और पीछे दोनों में। ये इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ये नेट का कपड़ा हम यूज़ कर लेते हैं समझाने के लिए। और ये वाला पार्ट है जिसमें हमने नेट लगाना है, तो इसको बराबर रखेंगे। सिर्फ नीचे वाले हिस्से में जो राउंडिंग हिस्सा है इस पर हमें मार्जिन देना है सिलाई के लिए। ये मार्जिन आप 1/2 इंच तक का दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। 1/2 इंच तक का मार्जिन देना है, और ऊपर बिल्कुल फिक्स इसकी कटिंग होगी। तो ये इस प्रकार से जो है पेपर को रख करके कटिंग कर देना है, बाकी तरफ कहीं पर भी हमें मार्जिन नहीं देना, फिक्स कटिंग होगी। सामने और पीछे दोनों के लिए आप नेट को इसी प्रकार से निकालेंगे, और उसके बाद इसको अटैच करना तो काफ़ी सिंपल है। वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, कुछ दिन पहले मैंने एक और इसी तरह ब्लाउज बताया हुआ था जिसमें स्टिचिंग भी मैं बताया हूँ। तो स्टिचिंग जिन लोगों को देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये कटिंग मैंने फिर से बता दिया ताकि आप लोगों का जो कंफ्यूजन था वो दूर हो सके। तरीका भी मैंने इसमें हल्का सा चेंज किया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। अब ये इस प्रकार का आएगा नेट और कपड़ा। तो यहाँ पे हमने कटिंग नहीं किया है, लेकिन आप मान के चलिए कि ये जो पीला पेपर हम यूज़ करते हैं ये कपड़ा है,
तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर परफेक्टली जा कर के बैठेगा। कपड़े की कटिंग इस पीले पेपर पे ही करनी है और बाकी वो नेट रहेगा। इस प्रकार से जो है इसीता ब्लाउज आप यहाँ पर बना सकते हैं। स्टिचिंग मुझे नहीं लगता यहाँ पर बताने की ज़रूरत है, कटिंग देख करके सभी लोग समझ जाएंगे कि किस तरीके से इस ब्लाउज को बनाना है। कटोरी की कटिंग जब कपड़े पर करेंगे तो गोलाई वाले शेप में 1.25 इंच का मार्जिन बस ध्यान रख करके इसमें देना है। उसके अलावा कहीं पर भी कोई भी सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। आप बेहिचक होकर इस ब्लाउज की कटिंग कीजिए और स्टिचिंग कीजिए, परफेक्टली ये ब्लाउज बनेगा। लास्ट में मैं यहाँ पर इसकी आस्तीन का कटिंग बता देता हूँ। आस्तीन भी इसमें नेट का ही लगना है, लेकिन मैं पेपर पे बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। पेपर पे इसकी कटिंग को देख लेते हैं, आप लोग नेट पे इसकी कटिंग कर लेना। तो फ्रेंड्स, स्लीव्स के लिए हमेशा की तरह लेंगे डबल फोल्ड का पेपर, नीचे देंगे 1/2 इंच का मार्जिन। अब 16 इंच आस्तीन की लंबाई है, 3/4 स्लीव्स है तो यहाँ पे लंबा स्लीव्स आएगा। 16 इंच की लंबाई और इसकी गोलाई 5 इंच की, तो निशान लगाएंगे 16.5 इंच पर। 16.5 इंच पर निशान लगा करके यहाँ पर हम खींच लेंगे एक सीधी लकीर। लकीर खींचने के बाद गोलाई नाप लेंगे, 5 इंच की इसकी गोलाई है। लेकिन इसके आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे 3 से 3.25 इंच पर। 3 इंच ज़्यादातर लगाए जाते हैं, 3.25 कर लेंगे तो भी चलेगा, अच्छी फिटिंग आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी फुलान वगैरह की। यहाँ पर 3.25 इंच पे निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, गोलाई सबसे पहले देखेंगे, 5 इंच की गोलाई है तो ये 5 पे निशान लगाएं, 1.5 इंच का मार्जिन दे दिए। और उसके बाद नीचे से इधर से हमने 3.25 पे निशान लगाया, 5 की गोलाई है तो रिपीट 5 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दे देंगे 1.5 इंच, छोटे स्लीव्स में 1/2 इंच बताया हूँ, यहाँ पर 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। ये एक अनुमानित कटिंग होता है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख देंगे, आस्तीन की फिटिंग प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। और एकदम परफेक्टली आपको आस्तीन चाहिए तो क्या करेंगे, छोटे आस्तीन के लिए आपको जब बॉडी मेजरमेंट आप लेते हैं तो 3.5-4 इंच का होता है आस्तीन, तो यहाँ पर की गोलाई को आपको नोट करना होगा। चाहे आप ब्लाउज का नाप लें या बॉडी मेजरमेंट लें, दोनों में यहाँ पर की जो गोलाई आती है, छोटे स्लीव्स में जो गोलाई आती है वो यहीं पर आती है, तो यहाँ पे का गोलाई नोट करना होगा। जितनी यहाँ की गोलाई आएगी उसमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके आर्म होल लेना होता है। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ आस्तीन के लिए टिप्स। इस तरीके से आप यहाँ पर कटिंग करेंगे गोलाई। यहाँ पर एक और चीज़ जो बच गई है इसको बता देते हैं, ये इस प्रकार से गोलाई आपको दे देनी है। और फ्रंट वाले पार्ट के लिए 1/4 इंच गहरा, 1 इंच कर देंगे तो भी चलेगा, 1 इंच गहरा इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ले लेना है। ये फ्रंट पार्ट के लिए रहेगा। तो इस तरीके से जो है आस्तीन की कटिंग करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए सारी चीज़ों को डिटेल से नहीं बता पाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये जो इसीता ब्लाउज की मैंने कटिंग यहाँ पर आप लोगों को दिखाई है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए ताकि आप लोगों को इस वीडियो से जुड़ी और भी जानकारियाँ मिल सकें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।